हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेट इस फार्मेसी सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं ग्लूको नियोजेसिस के बारे में ठीक है सो so, अभी तक हमने जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ा है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बेसिक्स क्या क्या होते हैं उसके बाद हमने देखा कि ग्लैकोलिस क्या होती है उसका सिग्निफिकेंस उसकी एनर्जेटिक्स भी देखी फिर हमने लिंक रिएक्शन देखा और लिंक रिएक्शन के साथ साथ हमने सिग्निफिकेंस भी देखी लिंक रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है वो भी देखा उसके बाद में हम उसका भी हमने नाम भी देखा कि उसको लिंक रिएक्शन क्यों बोला जाता है इसके साथ साथ उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है जब हम डिस्कशन कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैप साइकिल मतलब कि क्रैप साइकिल हमने देखी क्रैप साइकिल का हमने एक मतलब एक बेसिक सा डायग्राम मतलब एक बेसिक सी छोटी सबसे छोटी साइकिल भी देखी उसके बाद एक डिटेल्ड साइकिल भी हमने उसके में पढ़ा उसका एनर्जेटिक्स भी देखा और उसके साथ साथ हमने देखा एम्फीबोलिक पाथवे का क्या क्या सिग्निफिकेंस है है? क्या होता है? So, अब हम नए टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं जिसका नाम है जैसा कि आप जानते ग्लूकोनियोजेनेसिस so, क्या, क्या मतलब का देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर ब्रेक करें तो आता है ग्लूको प्लस नियो प्लस ग्लूको का आप बोल सकते हो ग्लूकोज New का मतलब होता है न्यू और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन न्यू का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सोर्स ठीक है मतलब कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि ग्लूकोज का नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सोर्स से बनना इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक है सो so, जब आपने ग्लाइकोलिसिस देखी थी ग्लाइकोलिसिस की जब आपने स्टेप्स देखी थी तो ग्लाइकोलिसिस की स्टेप्स में आपने क्या देखा था कि ग्लूकोज से आपके क्या बन रहा है पायरुविक एसिड या फिर आप उसको पायरोवेट भी आपने बोला था पायरुवेट ठीक हमने ग्लाइकोलिसिस के अंदर देखा था कि ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट थर्ड और टेंथ स्टेप जो है वो कैसी है irreversible याद आ रहा है आपको कुछ irreversible नेचर की होती है फर्स्ट थर्ड और 10th रिएक्शन ठीक सो so, अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो हमको बनाना है ग्लूकोज जब ये फर्स्ट थर्ड और 10th स्टेप जो है ये इररिवर्सिबल नेचर की है मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड तो बना दिया लेकिन अगर हमें पायरुविक एसिड से ग्लूकोज बनाना है तो ये ये जो फर्स्ट थर्ड और टेंथ नंबर की स्टेप है ना इसको इरिवर्सिबल से हमें रिवर्सिबल नेचर का करना होगा मतलब सिंपल सा इतना है कि ग्लाइकोलिसिस की जो फर्स्ट थर्ड और टेंथ रिएक्शन थी जो इरिवर्सिबल थी जिसमें प्रोडक्ट बन गया अगर हम उन रिएक्शन को जंप कर दें जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन क्या थी फर्स्ट स्टेप क्या थी ग्लाइकोलिसिस की जैसे कि ग्लूकोज है

और सिमिलरली फर्स्ट थर्ड और टेंथ रिएक्शन को अगर हम रिवर्सिबल नेचर का कर दें तो ग्लूकोज को बना सकते हैं हम एसिड से पायरुविक एसिड से ग्लूकोस को बना सकते हैं सो so, जो ग्लाइको जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ये है कि हमें नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सोर्स से बनाना है सो so, ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना कौन सी वाली है?

बट so glucose सो वी नीड टू है मैंने बोला कि ग्लूकोज को प्रोडक्ट के रूप में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें ये रिएक्शन को जम्प करवाना पड़ेगा सो so अब अगर हम क्या करें जैसे कि टेंथ रिएक्शन की स्टेप आप देखो तो से बना रहे हैं. क्यों

ठीक उसके बाद में मैलेट से क्लोरो एसिडेट बना साइटोप्लाज्मिक मैलेट डिहाइड्रोजीनियस और से जीटीपी से जीडीपी बना जहां पर जो की है साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हो रही मैलेट से फॉस्फोन पायरोड बनने वाली रिएक्शन साइटोप्लाज्म में हो रही है और पायरोट से मैलेट बनने तक की प्रोसेस नाइट्रोग्रिया में हो रही है सो टेंथ नंबर की स्टेप क्या आपने देख ली अब हम क्या करें कि थर्ड नंबर की स्टेप जो है जो थर्ड नंबर की स्टेप है वो कौन सी होती है, है। जबकि ग्लैकोलिस के अंदर पहली रिएक्शन क्या थी ग्लूकोज से ग्लूकोट गोजफेट से फ्रक्टोट और फ्रक्टोसिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोजनफेट बन रहा था ग्लूको ग्लाइकोलिस में मतलब इससे ये बन रहा था लेकिन अब अगर, अगर रिवर्स रिएक्शन लेके जानिए तो फ्रक्टोजन से फ्रक्टो फॉस्टफेट बनाएंगे तो मतलब कि एंजाइम की में में बना अभी तक हमने हमने क्या देखा कि की की को हम कर गए इस तरह से और इसके बाद में, हमने जो थर्ड है उसमें एंजाइम मदद से वो भी हमने क्रॉस कर ली सिमिलरली फर्स्ट स्टेप जो है जिसमें ग्लूकोज सिक्सफेट से ग्लूकोज बना रहे हैं उसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा ग्लूकोज सिक्स एंजाइम यूज हुआ ठीक है So, ये रिएक्शन हमने इसको ओवरकम कर लिया है, है? ठीक और अब इसके बाद में क्या करना है आप ग्लूकोनियोजेनेसिस को इस तरह से लिखो लिखने के बाद में आप क्या कर सकते हो ग्लूको आपको देखो ग्लूको होती है ग्लूकोज से स्टार्ट होती है और पायरुविक एसिड पर खत्म होती है ठीक है और जब ये पायरोविक एसिड पर खत्म होती है तो ग्लाइको और जो ग्लूकोन जो ग्लूकोनियोजेनेसिस वो उसकी अपोजिट में चलेगी सो so, हमने देखा कि ग्लाइको से एसिड बनाया सिमिलरली जब आप ये ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखो ना तो पायरुविक आपको क्या लिखना है ग्लाइकोलिस को उल्टा लिखना है मतलब कि पहले पायरोविक एसिड है ना पायरोविक एसिड से आप क्या बनाओगे फॉस्फोइनोल पायरोविट ठीक है फॉस्फोइनोल और से आप बनाओगे क्या ये ठीक है सो so, फॉस्ोल पायरोट आपने ऐसा लिख दिया ये तो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी पर जब ग्लाइको ग्लूकोनियोजेलिस हमको बताना होगा तो सिर्फ डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख देंगे हमको ये बताना पड़ेगा कि पायरोविक एसिड जो है पायरोविक एसिड से

आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने ये फर्स्ट वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पुरानी वीडियोज लेक्चर को जरूर देखें क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देख पाओगे तब तक आप इनको कोरिलेट नहीं कर पाओगे सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी सी यू गाइज